सब्सक्राइब कर दीजिए धवल की दरिया चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आप फोटोग्राफी और कैमरा के बारे में जानते ही होंगे, आप सेल्फी खींचते होंगे, फोटो खींचते होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ फोटोग्राफी और कैमरा के अब तक हुए रेवोल्यूशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है करीब सन 965 और 1040 के बीच की, जब जाने माने वैज्ञानिक अल हज़ेन ने पिनहोल कैमरा ढूंढ निकाला था। ये पिनहोल कैमरा के सरफेस पे इमेज प्रोजेक्ट होता था, लेकिन ये पिनहोल कैमरा इमेज को परमानेंट स्टोर नहीं करता था। उस इमेज को परमानेंटली स्टोर करने के लिए काफी सारे प्रयास किए गए। साल 1727 में जर्मन साइंटिस्ट जोहान्स कुल्जे ने पहला तरीका निकाला जिससे इमेज को स्टोर किया जा सके। जोहान्स कुल्जे ने चौक नाइट्रिक एसिड और सिल्वर का एक मिक्सचर केमिकल बनाया जो लाइट के साथ प्रतिक्रिया कर रहा था, उसमें इमेज स्टोर हो रही। जब भी लाइट पड़ती थी तब उतने ही हिस्से में ब्लैक एंड वाइट इमेज बनती थी, लेकिन ये कोई परमानेंट स्टोरेज नहीं था, लेकिन इसमें टेम्पररी स्टोर होता था जो पिन होल कैमरा में बिल्कुल भी नहीं होता था। तो ये एक पहली सोच थी स्टोरेज की। साल 1777 में स्वीडिश साइंटिस्ट कार्ल स्किली ने इसका फिक्सचर निकाला। उसने अमोनिया का यूज करके इस फोटो को परमानेंट बना। इस केमिकल मिक्सचर को हम सिर्फ लेबोरेटरी में ही यूज कर सकते थे और कोई जगह नहीं थी जहां पे हम इसे यूज कर सकते। सन 1826 में जोसेफ नाइसफोर नेप्सी ने पहली फिल्म प्लेट बनाई जिसमें प्यूटर प्लेट और ब्यूटामिन का इस्तेमाल किया गया था। सन 1826 में जोसेफ नाइसफोर नेप्सी ने दुनिया का पहला रिकॉर्डेड फोटो खींचा। सन 1829 में ल्यूस डेग्यूरी ने जोसेफ नाइसफोर नेप्सी के साथ पार्टनरशिप, लेकिन 1833 में जोसेफ नाइसफोर नेप्सी की अचानक से मृत्यु हो गई। ल्यूस डेग्यूरी ने अपना एक्सपेरिमेंट चालू रखा और उन्होंने बनाया पहला फोटो डेवलप करने का प्रोसेस। उन्होंने इस प्रोसेस को नाम दिया डेग्यूरियोटाइप, जो 20 साल तक चलता रहा और ल्यूस डेग्यूरी को फादर ऑफ फोटोग्राफी के नाम से जाना जाता है। इस मेथड के काफी सारे नेगेटिव पॉइंट है, जैसे कि आप मल्टीपल कॉपीज नहीं निकाल सकते थे, ये फिल्म ग्लास काफी डेलिकेटेड काफी नाजुक होता था और आप इसका एक्सपोजर टाइम था 10 मिनट का, यानी आपको एक फोटो खींचने के लिए कैमरे के सामने 10 मिनट तक खड़ा रहना पड़ता था। इस मेथड से काफी सारे फेमस लोगों की तस्वीर खींची गई है, जैसे कि अब्राहम लिंकन और एडगर एलन पो। उस समय काल के दौरान विलियम हेनरी फॉक्स टेलबोट ने कैलोटाइप नाम की फोटोग्राफिक प्रोसेस डेवलप की जिससे फोटोग्राफिक प्लेट की मल्टीपल नेगेटिव कॉपीज बनाई जा सके और काफी पेपर कॉपी भी निकाली जा सकती। अनफॉर्चुनेटली इस प्रोसेस में पेपर और ग्लास दोनों गीले हो जाते थे और उसे सुखाना पड़ता था। तो अब बात करते हैं ब्रिटिश मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के बारे में, जो मैक्सवेल इक्वेशन के लिए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के एक्सपेरिमेंट के लिए जाने जाते थे। 1861 में मैक्सवेल ने पहले कलर फोटो का इन्वेंशन किया। इस कलरिंग फोटोग्राफिक प्रोसेस को ट्राइक्रोमेटिक प्रोसेस कहा जाता है। मैक्सवेल अपनी कलर फोटो की इन्वेंशन को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन में रिवील करना चाहता था। मैक्सवेल ने पहली कलर फोटो खींचने के लिए एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर थॉमस सुटन को बुलाया। थॉमस सुटन ने दुनिया का पहला सिंगल लेंस रिफ्लेक्स SLR कैमरा बनाया था। मैक्सवेल और थॉमस सुटन दोनों मिलकर एक पहली कलर फोटो खींची। जो फोटो खींची गई थी वो चीज थी एक टर्टन रिबन, और इस तरह उन्होंने प्रूफ कर दिया कि कलर फोटो खींचना पॉसिबल ट्राइक्रोमेटिक प्रोसेस। सन 1884 में जॉर्ज ईस्टमैन ने पहली ड्राई प्रोसेस निकाली और उसी के साथ कैमरा सिंपल बन गया, और जो भी बाकी की केमिकल प्रोसेस थी वो हम बाद में कर सकते थे। थॉमस सुटन के SLR इन्वेंशन के बाद फोटोग्राफिक वर्ल्ड में एक बड़ा ही मॉडर्न चेंज आया। उन्होंने 1884 में पहला SLR बैच लॉन्च किया और इसकी डिजाइन आज भी यूज होती है। तो अब बात करते हैं डिजिटल युग की। तो 1975 में कोडक कंपनी के इंजीनियर स्टीवन सेसन ने पहला डिजिटल कैमरा लॉन्च किया जिसमें 32x32 साइज का मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का इमेज सेंसर यूज होता था। बाद में कोडक कंपनी ने अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी के चलते बड़े फेलियर का सामना किया। 1986 में नाइकॉन कंपनी ने अपना पहला नाइकॉन D1 मॉडल लॉन्च किया जो था दुनिया का पहला डिजिटल SLR जिसमें 2.74 मेगापिक्सल का सेंसर था। यार 2000 की शुरुआत में जापानीज कंपनी शार्क ने पहला कैमरा फोन बनाया। साल 2008 के अंत में मिररलेस कैमरा की शुरुआत हुई जो साइज में DSLR कैमरा से कॉम्पैक्ट थे क्योंकि इसमें लेंस रिफ्लेक्स सिस्टम नहीं थी,
इसी वजह से ये साइज में कम होते थे और इसमें फुल फ्रेम सेंसर ही यूज किया जाता। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और एक बात, आपके पास कितनी पुरानी फोटो है, जो आपके पास फोटो है सबसे पुरानी फोटो है वो कितनी पुरानी है वो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अब हम 300 सब्सक्राइबर पे पहुंचने वाले हैं। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।